जैसे मैं आपको सी बकथॉर्न का उदाहरण देता हूं। आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला यह प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है। चाहे जितना सूखा हो यह अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सी बकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन ने तस्वीर बदल दी है। सी बकथॉर्न का इस्तेमाल अब हर्बल टी में, जैम, प्रोटेक्टिव ऑयल, प्रोटेक्टिव क्रीम और हेल्थ ड्रिंक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों के लिए यह बहुत उपयोगी हो रहा है। सी बकथॉर्न से कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। आज इस मंच पर मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भविष्य में देश के जिस भी हिस्से को आप अपना कार्यक्षेत्र बनाएंगे वहां ऐसे आपको अनेक प्रोडक्ट मिलेंगे। वहां आप अपने प्रयासों से आप एक मॉडल विकसित कर सकते हैं। में काफी ऊपर पाई जाती है, आमतौर पर सूखे शीत क्षेत्रों में पाई जाती है। इनमें लद्दाख और स्पीति जैसे इलाके शामिल है। हिमाचल प्रदेश में इसे स्थानीय रूप से छारमा भी कहा जाता है और लाहौल और स्पीति के अलावा किन्नौर के कुछ हिस्सों में ये जंगली क्षेत्रों में बढ़ता है। सी बकथॉर्न एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 15,000 हेक्टेयर इस पौधे से घिरे हुए हैं। सी बकथॉर्न पौधे के पारिस्थितिक, औषधीय और आर्थिक लाभ क्या है इसके बारे में आपको बताएं तो चिकित्सा के रूप में सी बकथॉर्न का व्यापक रूप से पेट, हृदय और त्वचा की समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर के वैज्ञानिक अनुसंधान ने इसके लिए कई पारंपरिक उपयोगों का समर्थन किया है। इसके फल और पत्तियां अन्य पदार्थों के अलावा विटामिन, कैरोटेनाइड और ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होते हैं और ये उच्च ऊंचाई पर सैनिकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। ईंधन और चारे का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के अलावा सी बकथॉर्न एक साइल बाइंडिंग यानी यह मिट्टी के कटाव को रोकता है। इसके अलावा यह नदियों में गाद को भी नियंत्रित करता है और पुष्प जैविकता को संरक्षित करने में मदद करता है। लाहौल घाटी में जहां विलो पेड़ कीटों के हमले के कारण बड़ी संख्या में नष्ट हो रहे हैं, तो वहीं सी बकथॉर्न स्थानीय पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। देखा जाए तो सी बकथॉर्न का वाणिज्यिक मूल्य भी है क्योंकि इसका उपयोग जूस, जैम, पोषण संबंधी कैप्सूल आदि बनाने में किया जाता है। लेकिन जंगली सी बकथॉर्न उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति नहीं की जाती, इसलिए इस पौधे को बड़े पैमाने पर खेती करने की जरूरत है, जैसा कि चीन में किया जा रहा है। इसको लेकर नवीनतम परियोजना क्या है इसके बारे में आपको बताएं तो सी बकथॉर्न एसोसिएशन चाहता है कि अलग अलग हिमालयी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के वन विभाग प्रतिपूरक वनीकरण या CAMPA फंड का उपयोग करके शुष्क और सीमांत भूमि पर सी बकथॉर्न लगाए जाए। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इन राज्यों से इस तरह के वृक्षारोपण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है ताकि विशेष रूप से हिमालय के ग्लेशियरों से कम जल प्रवाह और इससे पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में राज्य में 250 हेक्टेयर पर सी बकथॉर्न लगाए जाएंगे। दोस्तों, हेल्दी और एक्टिव लाइफ के लिए सही न्यूट्रिशनल आहार की आवश्यकता होती है। तो क्या आपका आहार आपके डेली न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करता है? कुछ कारणों की वजह से हमारे शरीर को जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम मिस कर देते हैं। वो कारण है आहार में न्यूट्रिएंट्स की कमी,
कम खाना खाना या फिर शरीर में कम एब्जॉर्ब होना, और इसके अलावा भी कई कारण हैं जिससे हमारे शरीर को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। वो कारण हैं तनाव की वजह से, जंक फूड की वजह से, गलत तरीके से खाना खाना, समय पर खाना न खाना या खाना टालना, शारीरिक हालचाल की कमी या खाने में मिलावट की वजह से। इन सभी कारणों की वजह से हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे हमारी लाइफस्टाइल सुस्त हो जाती है और हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वीकनेस, मोटापा, काम पर ध्यान न लगना, वजन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, मसल्स कमज़ोर होना या फिर हर समय नींद आना, और इसकी वजह से हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं का समाधान है सी बकथोर्न। तो आइए देखते हैं कि सी बकथोर्न क्या है, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है और इसको लेने का सही तरीका क्या है। सबसे पहली बात, सी बकथोर्न ये कोई सी फूड या सी फ्रूट नहीं है। ये निगेटिव अल्टीट्यूड टेम्परेचर में पाया जाने वाला एक फल है, मतलब ये बर्फीली जगहों पर पाया जाता है, जो कुछ इस तरह का होता है। दोस्तों, सी बकथोर्न लगभग साल 1400 से मेडिसिनल पर्पस से इस्तेमाल किया जा रहा है। अलेक्जेंडर के समय में योद्धा ताकत बढ़ाने के लिए सी बकथोर्न खाते थे। सी बकथोर्न को वंडरबेरी भी कहते हैं या ले बेरी भी कहते हैं। इंडियन आर्मी के जवान बर्फीली जगहों पर सर्वाइव कर पाए, इसलिए उनके खाने में सी बकथोर्न का उपयोग किया जाता है, और ये काम डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं तब सी बकथोर्न एज अ सप्लीमेंट के तौर पर उन्हें दिया जाता है, ताकि उनका एनर्जी लेवल हाई रहे, और आजकल बॉडी बिल्डर्स भी इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं सी बकथोर्न में ऐसा क्या होता है जो इसे इतना महत्व दिया गया है। सी बकथोर्न में कई प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स और विटामिन पी होता है। इसमें सभी प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3, 6, 7 और ओमेगा 9 फैटी एसिड मौजूद होता है। सी बकथोर्न में एमिनो एसिड्स भी होते हैं और जिंक, आयरन, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं। इसे इतना महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि इतनी छोटी सी बेरी में 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, तो ऑब्वियसली इसके फायदे कई होंगे। तो आइए जानते हैं सी बकथोर्न के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे इसे लेने का सही तरीका क्या है। फॉर मेंटेनिंग हाई एनर्जी, विटामिन सी और बाकी न्यूट्रिएंट्स चक्कर आना और सरदर्द को कम करते हैं और मेंटल अटेंशन को बढ़ाते हैं। विटामिन ई और जिंक सेलेनियम जैसे मिनरल्स में हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो ब्रेन टिश्यूज और शरीर के बाकी भागों को फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स के डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर स्टैमिना बिल्डिंग, सी बकथोर्न में मौजूद विटामिन थकान को कम करते हैं, मसल्स के तनाव को कम करते हैं और शरीर को अच्छी नींद लेने में मदद करते हैं। फॉर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सी बकथोर्न में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, हार्ट फंक्शन को बेहतर बनाता है और हार्ट मसल्स के तनाव को कम करता है। फ्लेवोनॉइड्स थायराइड फंक्शन को भी रेगुलेट करने में मदद करता है, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म से छुटकारा मिलता है, और यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाता है। फॉर डायबिटीज, सी बकथोर्न डायबिटीज पेशेंट्स में ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। सी बकथोर्न में मौजूद ओमेगा 7 फैटी एसिड से शरीर में फैट स्टोरेज को बंद करने का सिग्नल मिलता है। सी बकथोर्न हमारे इंसुलिन को संवेदनशील बनाता है, इंसुलिन सिक्रेशन को बेहतर बनाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज से सुरक्षा होती है। फॉर स्किन, विटामिन ए, विटामिन ई और ओमेगा 7 फैटी एसिड स्किन के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं, जो टिश्यूज और कोलेजन के रीजनरेशन को बढ़ावा देते हैं, स्किन रिंकल्स को कम करते हैं और स्किन को जवा बनाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी सी बकथोर्न के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, कंट्रोल्ड वेट, अच्छी नींद आना, समय पर भूख लगना, पेट स्वास्थ्य को सुधारना, एक्सेट्रा।